हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट। जीके एजुकार्ट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इंग्लिशेंट बुक का जनरल इंग्लिश का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन होता है, वर्ब का जो यूज किया जाता है वो सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज की जाती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है। ये जनरल रूल रहता है, लेकिन कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनके कारण जो है हम वर्ब की फॉर्म्स डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। उनके रूल्स आते हैं सिंटैक्स में, उनको कैसे यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का जो मेन करेक्टर होता है वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब होता है कि उस सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, उस सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसको वर्ब बोला जाता है। इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ही अहम होता है। कई बार ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस के अंदर मिलता है, कई बार नहीं मिलता, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब आपको हमेशा मिलेगा। सिंटैक्स के पार्ट वन में हमने कुछ रूल्स कवर किए थे, उनका एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर हम आगे रूल्स कवर करेंगे। फर्स्ट रूल में सिंपल बताया गया था कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म यूज होगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होगी। सेकंड रूल में आई के बारे में बताया गया था। आई क्या होता है? आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आई जो है तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों यूज की जा सकती है। थर्ड रूल था यू के बारे में। यू का जो हम यूज करते हैं एज ए सिंगुलर भी यूज करते हैं और एज ए प्लूरल भी यूज करते हैं। यू का यूज आप सिंगुलर फॉर्म में करो या प्लूरल फॉर्म में, लेकिन उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी, ये याद रखना। रूल नंबर फोर में नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में बताया था। सिंपल था, नीड नॉट और डेयर नॉट हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उनको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। नीड नॉट यूज किया जाएगा, ना कि नीड्स नॉट। नीड्स नॉट कभी यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो जाता सिंगुलर, इसलिए नीड नॉट और डेयर नॉट हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ना हो। उसके बाद जो है फोर्थ रूल में हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन थी अगर डेयर और नीड का यूज किया जाता है मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में डेयर और नीड का यूज किया जाता है, तो फिर जो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर भी यूज की जा सकती है, प्लूरल भी यूज की जा सकती है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज की जाएगी, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी। कब? डेयर और नीड का अगर हम अकेला यूज करते हैं। उसके बाद फिर से डेयर नॉट और नीड नॉट के बारे में पढ़ा था, उसके साथ टू लगता है कि नहीं लगता? डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ कभी टू का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर डेयर और नीड का मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है और वाक्य से हमें पता चलता है कि वाक्य हमने साहस के लिए, हिम्मत के लिए यूज किया गया है, तब हम डेयर टू और नीड टू का यूज करेंगे, यानी उसके साथ टू लगा सकते हैं। रूल नंबर फाइव में हमने पढ़ा सुपोजिशनल सेंटेंसेस। सुपोजिशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ कल्पना करते हैं या कुछ सपोज करते हैं, उनके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? इफ, एज इफ, एज दो, ओनली, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, इस तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। जब इन सेंटेंस के बाद का जो सेंटेंस इनके साथ जुड़ा होता है, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है, यूज की जाएगी वर्ब की प्लूरल फॉर्म। रूल नंबर सिक्स क्या बोलता है? जब ऑपरेटिव सेंटेंस आ जाता है, ऑपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाता है, तो उसमें क्या है? उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर्ब की फॉर्म प्लूरल यूज की जाती है। ये थे ऑपरेटिव सेंटेंस। फिर हमने रूल नंबर सेवन पढ़ा था एंड के बारे में। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर एंड का यूज किया जाता है, तो मतलब हम दो नाम, दो नाउन आपस में जोड़ते हैं, तो नाउन्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब क्या कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे कि राम एंड श्याम, गीता एंड सीता। फिर रूल नंबर एट में हमने पढ़े थे पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से पूरक रूप में जुड़े हो। पूरक इन द सेंस, जब दो शब्द जो है एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबंधित हो, और उन दोनों को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो उनको एक ही माना जाता है, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और उसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल मैंने पढ़ा था ब्रेड एंड बटर के बारे में, उसमें ब्रेड एंड बटर एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया था इज का। उसमें जब दो शब्द अनकाउंटेबल नाउंस हो, जब कोई दो शब्द एंड से जुड़े हो और वह अनकाउंटेबल नाउंस हो,
तब जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। जब कोई दो वर्ड्स फैमिली के बारे में दर्शाते हैं, फैमिली रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि मदर एंड फादर, अंकल एंड आंट, तो इस तरह के दो वर्ड्स है, और फर्स्ट वर्ड्स जो है, फर्स्ट नाउन जो है, उससे पहले जो है पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, जैसे कि माई, यूअर, आवर, अस। तो इस तरह का एडजेक्टिव जो है फर्स्ट नाउन से पहले यूज किया गया है, जैसे मदर एंड फादर पेयर वर्ड है और उससे पहले माई का यूज किया गया है, तब जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये कुछ रूल्स हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो वहां जाकर इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सेकंड वीडियो सिंटैक्स के बारे में। रूल नंबर 9, जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन से पहले कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे कि माई, यूअर, आवर, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इससे सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो नाउन है, अरे दोनों किससे जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए, और फर्स्ट जो नाउन है उससे पहले किसका यूज किया गया, किसी आर्टिकल का यूज किया गया है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको दिखता है तो वहां पर वाच का यूज किया जाएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, ना कि वर्ब का यूज किया जाएगा। वैसे ही अंकल और गार्जियंस दो शब्द है जो एंड के साथ जुड़े हैं, और उससे पहले किसका यूज किया गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव का, तो इसमें किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ना कि प्लूरल वर्ब का। और वैसे ही तीसरे एग्जाम्पल में बताया गया है पोएट एंड फिलोसोफर, जो किससे जुड़े हुए हैं, एक आर्टिकल से जुड़े हुए हैं, ए से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 10, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स से पहले आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन यानी दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, और इसे प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इसमें दिया गया द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दो नाउन है, और दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग आर्टिकल से, प्रिंसिपल से पहले भी द का यूज किया गया है, और सेक्रेटरी से पहले भी किसका यूज किया गया, द का यूज किया गया है, तो सब्जेक्ट बन जाता है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। तो इस तरह के सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 में ये डिफरेंस है, रूल नंबर 9 भी दो नाउन को जोड़ता है, लेकिन फर्स्ट नाउन से पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है, ना कि सेकेंड नाउन से पहले। लेकिन रूल नंबर 10 में बताया गया है दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। अगर सिर्फ फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, तब हम यूज करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का, और जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, तब हम करेंगे वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है माय अंकल एंड माय गार्जियंस, दोनों से पहले माय का यूज किया गया है और दोनों को एंड से जोड़ा गया है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का। वैसे ही बताया गया ए पोएट एंड ए फिलोसोफर, दोनों से पहले आर्टिकल यूज किए गए और एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसका यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का। रूल नंबर 11, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हो, और इससे फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जैसे ए एंड एन। आर्टिकल जो है दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो स्पष्ट रूप से क्लियरली एग्जैक्टली किसी वर्ड्स के बारे में बताते हैं, जैसे द माउंटेन, द स्टेट, तो उनको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन, इनको इनडेफिनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी वर्ड से पहले अगर हम ए एंड एन लगा देते हैं तो वो अनक्लियर होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। तो इसमें एंड के साथ किनको जोड़ा गया, दो एडजेक्टिव को जोड़ा गया, जैसे यहां दो एडजेक्टिव बताया गया, ब्लैक एंड व्हाइट। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कोई नाउन है जैसे कि माउंटेन है, अगर उसके हम आगे बिग लगा देते हैं तो बिग माउंटेन, तो बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव। वैसे ही ग्रीन माउंटेन, तो ग्रीन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। उसी टाइप से अगर दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हो और फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले किसका यूज किया गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, ए या एंड का, तब किसका यूज किया जाएगा,
वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, क्योंकि इनको सिंगुलर ही माना जाता है, जिस प्रकार से हमने रूल नंबर 9 में पढ़ा था, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। उसी टाइप से यहाँ पर बताया गया है, जब दो एडजेक्टिव्स, जब दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े और फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले ए या एन आ जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ जाता है, तब हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। सेकेंड यहां पर कंडीशन बताई गई है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं और दोनों एडजेक्टिव से पहले किसका यूज किया गया, इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एंड एन का, जैसे एग्जांपल 10 में था वैसे सेम यहां पर बताया गया है, यदि दोनों एडजेक्टिव से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स आ जाते हैं तब उनको प्लूरल फॉर्म माना जाता है, सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म माना जाता है, इसलिए वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स यहां पर यूज किए गए हैं, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, इनको किससे जोड़ दिया, एंड के साथ, तो इसको प्लूरल माना जाता है, जैसे कि हमने एग्जांपल 10 में देखा था, उसी प्रकार से वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि दो सिंगुलर नाउंस एंड से जुड़े हो और फर्स्ट सिंगुलर नाउंस से पहले इच और एवरी का प्रयोग हो, किसका यूज हो, इच एंड एवरी का, तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले इच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं और उन दोनों से पहले इच या एवरी का यूज किया जाता है तो इनको माना जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी वो सिंगुलर फॉर्म यूज की जाएगी। यदि इच का यूज जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह इच का यूज किया जाता है तब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में बताया गया, इच हैज ए पेन, इसमें सब्जेक्ट इच को ही बनाया गया है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है। यदि प्लूरल नाउन के बाद या प्लूरल प्रोनाउन के बाद इच का यूज किया जाता है तब प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, वी इच हैव ए पेन, वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है और उसके बाद इच का यूज किया गया है, इसलिए इसमें किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। वैसे थर्ड एग्जाम्पल में बताया गया है, द बॉयज इच हैव ए वॉच, द बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है और उसके बाद इच का यूज किया गया है, और उसके जब इस तरह से सेंटेंस के अंदर इच का यूज किया जाता है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है। रूल नंबर 14 में बताया गया, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यानी कि इच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये तीन वर्ड्स हैं, उनके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो फिर हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, इच ऑफ दीज फोर पेंस इज रेड, तो इसमें दीज फोर पेंस क्या है, ये प्लूरल नाउन्स है और इससे पहले इच ऑफ का यूज किया गया है जो कि इच ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होगा। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ किसके साथ जुड़ा है, टू दोज टू बॉयज, दोज टू बॉयज जो कि प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन है, तो इसमें किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है 15, जिसमें बताया गया है, इच है, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चार वर्ड्स हैं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जुड़े हैं, तो इस तरह से अगर ये सेंटेंस के अंदर आते हैं और सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया जाता है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे कि इच बॉय, इच बॉय में सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों है, क्योंकि ए बॉय, एक लड़के के बारे में यहां पर बात की गई है, तो और इससे पहले किसका यूज किया गया, इच का, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इच बॉय वॉज हैंडसम इज करेक्ट, इच बॉय वर हैंडसम इनकरेक्ट हो जाएगा। आइदर पेन, तो पेन से पहले आइदर का यूज किया गया है, पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले आइदर का यूज किया गया है, इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा ना कि प्लूरल फॉर्म का। एक नोट्स यहां पर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग नाउन से पहले हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, दोनों में डिफरेंस समझिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इनको कब बोला जाता है, जब इनको सिंगल यूज किया जाता है, इच, आइदर, नाइदर, और जब इनको नाउन के साथ जोड़ दिया जाता है तब ये क्या बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
इच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो इच का यूज तभी किया जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए उसका यूज किया गया हो या फिर वस्तुओं के लिए। आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए यूज किया जाता है। यदि दो या दो वस्तुओं में से हमें एक को सिलेक्ट करना तब हम किसका यूज करेंगे, आइदर का। और नाइदर का यूज तब किया जाता है जब हम दो वस्तु दी गई और दोनों को हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते, दो में से किसी को भी हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते तब हम किसका यूज करेंगे, नाइदर का। उसके बाद एवरी के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर एवरी का यूज करते हैं तो उससे पता चलता है कि यहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में सेंटेंस के अंदर बताया गया है। जब किसी सेंटेंस में इच और एवरी का यूज किया जाता है तो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। इच एंड एवरी का जब हम एक साथ किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है कि उस सेंटेंस के अंदर दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तुओं का यूज किया गया है और वो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए भी है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 17 जिसमें बताया है यदि तीनों पर्संस के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो और उनको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो तीनों पर्संस के जो प्रोनाउंस है वो 2, 3, 1 231 के सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं। तीन पर्संस यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्संस। फर्स्ट पर्संस में क्या होता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में किन का यूज किया जाता है, यू, यूअर, यू का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में किसका यूज किया जाता है, सी, इट, दे, देयर, देन, इनका थर्ड पर्सन के रूप में यूज किया जाता है। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर तीनों पर्संस का यूज करते हैं यानी कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हम तीन पर्संस का यानी तीन व्यक्ति का यूज करते हैं तो उन पर्संस के लिए हम जो प्रोनाउंस यूज करते हैं तो उनको 2, 3, 1 के रूप में यूज करेंगे। 2, 3, 1 का मतलब है सेंटेंस के अंदर फर्स्ट किसका यूज किया जाएगा, सेकंड पर्सन को पहले यूज किया जाएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन को सेकंड नंबर पे यूज किया जाएगा, उसके बाद एंड लिखकर फिर फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यू क्या सेकंड पर्सन है इसको पहले लिखा गया है, ही क्या थर्ड पर्सन है इसको सेकंड लिखा गया है, उसके बाद एंड लिखने के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे जो कि तीसरे नंबर पर आता है, तो 2, 3, 1 का यहां पे रूल बनता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 18, जब दो पर्संस के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो गुड सेंस में यानी कि सेंटेंस के अंदर वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। ध्यान समझिए कि जब तीनों पर्संस में से कोई भी दो पर्संस एक साथ यूज किए जाते हैं तब हम उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तब हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। और इनको कैसे लिखेंगे, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज किया गया तो पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर सेकंड और फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो पहले सेकंड पर्सन का यूज करेंगे फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3। इनमें से कोई भी दो किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तो हम राइट साइड से इनका सीक्वेंस बनाएंगे। कैसे, अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन दिया गया तो पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन दिया गया है तब हम पहले थर्ड पर्सन का यूज करेंगे उसके बाद सेकंड पर्सन का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट और थर्ड दिया गया तो पहले हम थर्ड पर्सन का यूज करेंगे उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, वही यहां पर बताया गया है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, प्लूरल फॉर्म का तो यूज किया ही जाएगा, उससे पहले जो है सेकंड पर्सन को पहले लिखा जाएगा और थर्ड पर्सन को बाद में, जैसे यहां पर बताया गया है। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया गया है और साथ के साथ सेकंड पर्सन को पहले यूज किया गया और फर्स्ट पर्सन को बाद में यूज किया गया है। यदि तीनों पर्संस के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो और बैड सेंस के रूप में यूज किया गया है, बैड सेंस क्या होते हैं, जैसे कुछ भूल हो गई हो या फिर कुछ दोष हो गया हो, पाप, अपराध आदि कर दिया गया हो, तो इस तरह का सेंटेंस से हमें मीनिंग पता चलता है तो प्रोनाउंस के 1, 2, 3 सीक्वेंस का यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन को सबसे ज्यादा जिम्मेदार इन तरह के सेंटेंस में लाया जाता है, सेकंड पर्सन को फिर सेकंड नंबर पे और थर्ड पर्सन को थर्ड नंबर पे यूज किया जाता है। 2, 3, 1 का यहां पर यूज नहीं किया जाता है।
ध्यान से समझिए, जब कोई सेंटेंस है और सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि उस सेंटेंस का यूज किसी अपराध को बताने के लिए किया गया है या फिर किसी पाप को बताने के लिए किया गया है या कुछ भूल हो गई हो, तब तीनों पर्सन अगर यूज करते हैं, तीनों पर्सन के प्रनाउंस अगर यूज करते हैं, तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकेंड पर्सन, और फिर एंड के बाद आएगा थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल समझते हैं, आई यू एंड ही। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, यू क्या सेकेंड पर्सन है, और ही क्या थर्ड पर्सन है। आर गिल्टी, गिल्टी मतलब किसी दोस्त के लिए यूज किया गया है, तो हम इसका सिक्वेंस यूज करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी आई यू एंड ही आर गिल्टी, और प्लूरल फॉर्म का तो यूज किया ही जाएगा, जैसे कि 2-3-1 के सिक्वेंस में करते थे, सिंगुलर फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई यू एंड ही वर रोबर्स, तो आई यू एंड ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन का यूज किया गया है, और उनके साथ क्या लगेगी, प्लूरल फॉर्म लगेगी वर रोबर्स, वाज रोबर्स का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है, दो पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो और बैड सेंस के रूप में उनका यूज किया गया हो, बैड सेंस के बारे में बता चुका हूं, तो इसमें सिक्वेंस क्या बनेगा, 1-2 या फिर 2-3 या फिर 1-3, सिंपल 1-2-3। अब यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस हम यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में आएगा, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज करते हो, सेकंड पर्सन पहले आएगा थर्ड पर्सन बाद में, और 1-3 का यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन पहले थर्ड पर्सन बाद में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम, तो आई एंड यू, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, और दोनों किससे जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट पहले आएगा सेकंड बाद में, उसके बाद प्लूरल फॉर्म का तो यूज किया जाएगा। तो अभी तक हमने जो तीनों पर्सन के प्रोनाउंस या दो पर्सन के प्रोनाउंस हमने आपस में जोड़े हैं, तो हमेशा हमने किसका यूज किया है, प्लूरल वर्ब का, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का। नेक्स्ट रूल है आइदर और नाइदर के बारे में, आइदर और नाइदर का यूज जो है हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में या तो आइदर का यूज करते हैं फिर नाइदर का यूज करते हैं, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है, देयर आर टू रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड। पहले एक सेंटेंस बनाया गया है, देयर आर टू रूम्स हियर, तो सेकंड सेंटेंस जो है उसमें आइदर का यूज किसके रूप में किया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और उसके लिए हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। नाइदर सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ किसका यूज किया गया है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। फिर से समझ लेते हैं, आइदर और नाइदर किस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, तब हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहां पर तीन वर्ड्स बताए गए हैं, मैनी, एक गुड मैनी एंड ग्रेट मैनी, तीन वर्ड्स हैं जिनका यूज किस लिए किया जाता है, किसी अनिश्चित संख्या के लिए, कोई अनकाउंटेड नंबर्स है उसके लिए अगर इनका यूज करते हैं, और यूज कहां पर करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह इनका यूज किया जाता है, तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। कैसे होगा, एग्जांपल समझते हैं, मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या बनाया गया, मैनी। अगर इस तरह से हम यूज करते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर स्कूल, देयर आर 2000 बॉयज इन द सेंट जेवियर स्कूल एंड ए गुड मैनी आर वेरी लेबोरियस। तो गुड मैनी, एक गुड मैनी किसके रूप में यूज किया गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और प्लूरल सब्जेक्ट ये बताता है, तो इसका हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 21, मैनी, ए ग्रेट मैनी एंड ए गुड मैनी। पहले हम इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते थे, अब इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे, इनके बाद हम कोई सब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि एक प्लूरल नाउन हो सकता है या फिर प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है, तब इस प्रकार से यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, तो प्लूरल नाउन है यहां पर स्टूडेंट्स, और मैनी के साथ इसका यूज किया गया है तो किसका यूज होगा, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा, मैनी स्टूडेंट हैज पास्ट, ये हो जाएगा गलत। रूल नंबर 22 आ जाता है, फिर से मैनी के बारे में बताया गया है, मैनी ए मैनी एन, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से जुड़े हो और उनको सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का।
किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैनी ए बॉय, मैनी ए बॉय, ए बॉय क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ मैनी को जोड़ा गया है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। वैसे तो मैनी लगाने से हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ए बॉय ए सिंगल काउंटेबल नाउन दिया गया है, तो हम इसमें यूज करेंगे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का। वैसे थर्ड एग्जांपल में बताया गया है, मैनी एन ऑरेंज वाज रोटन, इस तरह के सेंटेंस आपको रेयर मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इस तरह के सेंटेंस अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें किसका यूज करेंगे हम, वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।